नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन फार्मर ग्रुप में आप सबका स्वागत है। कहीं किसान भाइयों के मेरे पास मैसेज आए, आप RVS 24 और 2172 के समय का डिफरेंस बताइए। तो किसान भाइयों, ये आपके सामने डिफरेंस है। ये जो प्लॉट पीला दिख रहा है, ये JS 2172 का प्लॉट है, और ये जो आप देख रहे हैं, ये RVS 24 का प्लॉट है। दोनों ही वैरायटी हाइल्ड वैरायटी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देने वाली वैरायटी है। और अगर समय की बात करें दोनों वैरायटी की, तो RVS 24 5 से 7 दिन लेट जाएगा 2172 से। JS 2172 का प्लॉट आपके सामने। फलियों की साइज बहुत बोल्ड और लगभग 100% कंप्लीट। हल्का हल्का पिलासपन आ गया है, 8 से 10 दिन में रेडी हो जाएगी। बत्तीस किलो प्रति एकड़ सीड रेट दोनों का। फलियां बिल्कुल बड़ी मोटी, दाना बोल्ड। ये पौधा JS 2172 का। अब हम चलते हैं RVS 24 के प्लॉट पर। जी, हम आ चुके हैं RVS 24 के प्लॉट पर। कुछ इस प्रकार बीच खेत में से RVS 24, ये भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ा मेच्योरिटी थोड़ी सी लेट आएगी। 5 या 6 दिन 7 दिन मान सकते हैं, अपन ज़्यादा नहीं मान सकते हैं, या अपन 5 दिन भी कह सकते हैं। फलियां की संख्या बहुत अच्छी है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरीके से। 2 दाने की और 3 दाने की फलियां इसमें। समय का मुझे आपको दिखाना था, इसके कुछ पौधे थोड़ा सा हमारा सीड रेट ज्यादा हो गया, 32 किलो प्रति एकड़। अगले साल थोड़ा सा हम कम करेंगे इसको। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं दोनों प्लॉट की स्थिति। सोयाबीन फार्मर ग्रुप हमेशा आपको सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है और आगे भी करता रहेगा। तो किसान भाइयों, अब हम हमारे एक दूसरे प्लॉट में हम आए हैं। वो मैं इसलिए आया हूं कि मैं आपको यहां पर कुछ फर्क दिखा सकूं, फंगीसाइड क्या होता है और फंगीसाइड प्रायोगजर ही डालना क्यों आवश्यक है। चेतन भैया, आप थोड़ा सा आगे जाइए और दोनों का फर्क बताइए, कहां से प्रायोगजर डाला है और कहां से नहीं पड़ा है। इधर जी जी, और उधर भी डला हुआ है। किसान भाइयों, ये चीज आपके सामने है और मैं आपको इसमें कुछ चीज दिखाऊंगा। पत्ते जल्दी झड़ गए हैं और इसकी जो फली की जो साइज है वो आप इधर और उधर से बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखिए, मैं कई बार किसानों को कह रहा था ग्रुप में कि आप R3 स्टेज पर प्रायोगजर का स्प्रे जरूर करिए। उसका कारण ही यही था, फर्क आपके सामने है किसान भाइयों। ये केवल आप किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए ही मैंने ये जगह छोड़ी थी, बाकी और मेरा कोई दूसरा नहीं था। क्योंकि मैं विगत 5 सालों से प्रायोगजर डाल रहा हूं, उसके पहले हेडलाइन डालता था। बिना फंगीसाइड से हम सोयाबीन को पकाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ किसान भाई बता रहे थे कि ये 4 से 5 दिन सोयाबीन को लेट करता। किसान भाई, वो लेट नहीं करता है, वो सोयाबीन को एक सही समय पर पकाता है। और अगर हम 90 दिन रुक सकते हैं तो 5 दिन हम क्यों नहीं रुक सकते। तो एक बार फिर
किसान भाइयों आपका स्वागत है। ये मेरा दूसरा प्लॉट 6 जुलाई की ही इसकी भी बोनी है। ये है RVSM 20-11-35 जो इस समय मध्य प्रदेश के किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। अगर हम 21-72 RVS 24 और 11-35 अगर सेम डे की सोइंग की बात करें मेरे ही खेत की, तो अपन ये बात कह सकते हैं कि 21-72 RVS 24 और 11-35 से 5 से 6 दिन जल्दी है और RVS 24 और 11-35 दोनों साथ में ही जा रहा है। ये RVSM 20-11-35 बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। वैरायटी भी निशब्द और केवल मैं आपको डेस्क की मैच्योरिटी बता रहा था। फलियां इसमें भी लगभग मैच्योर हो चुकी है, 4 दाने 3 दाने की फलियां। ये भी कंप्लीट आप सब देख सकते हैं। तीनों वैरायटियों का सिलेक्शन अब आपके हाथ में। आपको अगले साल क्या करना है, कौन सी डेस्क की है, मैंने तीनों सेम डेस्क की बोनी को आपके समक्ष रखा है। आपको किस वैरायटी का सिलेक्शन करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा मकसद इस वीडियो में केवल आपको वैरायटी की सही डिटेल, सही टाइमिंग, कितने दिन में परिपक्व हो रही है। बाकी तीनों ही वैरायटी अपने आप में बहुत अद्भुत है। आपको जिसका सिलेक्शन करना, अगर आप लेट में जाना चाहते हैं तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो धन्यवाद सभी किसान मित्रों को। जय श्री राम।